तो मॉर्निंग के बजे हैं 3, अभी मॉर्निंग के बजे हैं 3। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है हल्द्वानी का रोडवे स्टेशन, उसी के ठीक पीछे है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। तो हमारी यात्रा होगी है पहाड़ की स्टार्ट। मैं आया था लखनऊ से हल्द्वानी, वो बड़ा ब्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं बहुत तेज़ आया हूँ। लखनऊ से 6 बजे निकला था और 3 बजे मैं हल्द्वानी पहुँच गया। तो साथ में मेरा ये भतीजा डब्बू, ये यहाँ मुझे मिल गया। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी से रानीखेत, या से आप बोलो हल्द्वानी से काठोदाम से रानीखेत। तो बीच में हम लोग जितना स्टेशन होगा उतना कवर करेंगे, लेकिन रात का अंधेरा है तो व्यू उतना अच्छा कुछ खास आएगा नहीं। लेकिन फिर ऑलमोस्ट जो भी है मैं आपको रात का सफ़र दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ठंड की मतलब रात है और ठंडा बहुत है यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो शुरुआत करते हैं हल्द्वानी रोडवे स्टेशन से। यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, रोडवे स्टेशन में नहीं जा रहे, मतलब बस में नहीं बैठ रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी से रानीखेत की ओर। एक ड्राइवर की ज़िंदगी कितनी मेहनत वाली होती है। देखो हमको मिल गए यहाँ पांडे जी, और रात में यहाँ दौड़ा दौड़ा चला रहे हैं, कहा चलो मेरे साथ चलते हुए दौड़ा चलोगे? अभी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं पांडे जी। मतलब देखो कि कितना सफ़र का है, मतलब आदमी को अगर पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत से कमाना पड़ेगा। तो पांडे जी जिस हिसाब से लगे हैं सुबह 3 बजे, हमको उम्मीद नहीं थी कि पांडे जी यहाँ मिलेंगे। और पांडे जी देखो यहाँ खड़े होकर हर बस जितनी आ रही है वहाँ पर दौड़ 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 चिल्लाने में लगे हुए हैं। तो ये सारी बसें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ से आपको टैक्सी रानीखेत के लिए, अल्मोड़ा के लिए, नैनीताल के लिए, सब जगहों के लिए आपको यहाँ से टैक्सी अवेलेबल है। शेयरिंग में देखिए छोटी छोटी अल्टो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये अल्टो देखिए रात भर, मतलब रात के 2 बजे भी मिल जाएगी आपको अल्टो रानीखेत के लिए। चाहिए चाहिए आप जाइए नैनीताल, चाहिए आप अल्मोड़ा, ऑलमोस्ट मतलब पहाड़ पूरा कवर होता है यहाँ पर। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, दनिया, मतलब जितना है सब लोग चिल्ला ही रहे हैं, मतलब सब कुछ। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग में, वरना दिन के टाइम पे आपको ऊपर भोटिया पड़ाव जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग निकल गए हल्द्वानी से रानीखेत के लिए। तो मैंने आज थोड़ा निहारी का साथ में नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा गोप्रो को सेट किया है अपने हिसाब से मिरर पे। तो थोड़ा व्यू पता नहीं कैसा आएगा इसका, क्योंकि ये हिल बहुत ज़्यादा रहा है, नीचे को गिरते जा रहा है। देखो व्यू ही टेढ़ा हो गया पूरा इसका गोप्रो का दोबारा। तो अब देखिए, अब हुआ है पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट। तो पहाड़ों में क्या होता है, रात के टाइम में गाड़ी चलाना काफ़ी मतलब आसान होता है प्लेन्स के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जैसे दूर से भी कोई गाड़ी आती है तो लाइट की वजह से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है। तो रात के टाइम पे मतलब कोई सोचता है कि पहाड़ अनसेफ है गाड़ी चलाने के लिए, रात के लिए पहाड़ अनसेफ नहीं है। रात के टाइम पे आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी। अभी जैसे कि मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कभी कोई गाड़ी आएगी तो उसकी लाइट पहले ही उस मोड़ पर लग जाएगी, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ सामने से कोई गाड़ी आई तो मेरे को सतर्क होकर चलना है। और पहाड़ का एक रूल ये है कि अपनी साइड चलो, अपना लेफ्ट साइड गाड़ी घुमा के चलो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए गाड़ी आई जैसे, तो इसका रोशनी मेरे को बहुत पहले दिख गया इसका हेडलाइट का, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे को पहले से ही इतना सतर्क हुआ कि ये गाड़ी आ रही है, और उस गाड़ी को भी मेरी लाइट दिख गई तो उसको भी पता था, तो अब वो अपना स्पीड थोड़ा कम कर लेता है, मैं भी अपना कम कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैनेज हो जाता है। और ये देखिए सामने से एक और आ गई गाड़ी, तो ऐसे लगातार मतलब गाड़ियाँ आते रहती हैं, लेकिन रात के टाइम पे पता चल जाता है। दिन के टाइम में क्या होता है कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, आदमी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई रहता है चलाने का, तो उसकी वजह से बहुत टाइम एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो रात का देखिए सीन कुछ ऐसा है, आसमान में आपको सारे पूरा स्काई में आपको पूरे जितने भी स्टार है सारे दिखाई देंगे। उस साइड में मून है, देखिए मून बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज फुल मून है। और नीचे देखिए हल्द्वानी शहर का व्यू, और नीचे पूरी ट्रेल आ रही है, देखिए इसमें गाड़ी आ रही है, जो ट्रेल मैं पार करके मतलब इतने हाइट में भी आ गया हूँ। अभी हम लोग भीमताल पहुँचने वाले हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नज़ारा है रात का, कितना खूबसूरत लगता है जब आसमान आपको क्रिस्प क्लियर दिखाई दे, सारे के सारे तारे आपको दिखाई दें, तो इतना मतलब खूबसूरत मौसम है। थोड़ा यहाँ पर डर भी है कि लेपर्ड वगैरह आ सकता है, तो इसलिए गाड़ी के अंदर तुरंत घुस जाते हैं और आगे के यात्रा करते हैं। तो जैसे ही आप पहुँचोगे ऊपर तो आपको होंगे भीमताल के दर्शन। ये तो बहुत बड़ी लेक है, तो अभी आपको व्यू में दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मतलब बहुत बड़ी लेक है। तो ऐसा इसका कुछ नाइट व्यू है, इसके किनारे बहुत सारे होटल हैं जहाँ आप
रह सकते हैं और ऊपर भी बहुत सारे होटल हैं। तो ये भीमताल लेक है जो 16 किलोमीटर दूर है ओनली हल्द्वानी। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते नैनीताल के हाट बवाली में, मतलब नैनीताल स्थित का जो दिल है वो है बवाली। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं घोड़ाखाल टेम्पल, और इसके पास में सात ताल भी है, और ऊपर यहाँ से आप मुक्तेश्वर भी आ सकते हैं, यहाँ से आप रामगढ़ भी आ सकते हैं। और ये है बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत छोटा सब टाउन है, और लेकिन ठंडा बहुत है। नैनीताल से ज्यादा ठंडा बवाली में होता है क्योंकि यहाँ पर धूप आती बहुत कम है। और जब आपको नैनीताल में होटल बुक मिले सारे के सारे, तो आप नैनीताल यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है। जो रोड देखिए हम नीचे को कटे तो हम लोग चले गए रानीखेत के, ऊपर ऊपर जाएंगे तो सीधे यहाँ से हल्द्वानी भी जाएगी रोड और जाएगी आपके नैनीताल। तो नैनीताल यहाँ से 11 किलोमीटर है, तो आप नैनीताल ना स्टे करके आप भवाली भी स्टे कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पर। समझ लाइन जब नैनीताल में सीजन होता है पीक पे, तो आपको यहाँ होटल मिल जाएगा सस्ता और टिकाऊ वो भी रहने के लिए। आप वहां से नैनीताल घूम सकते हैं, नैनीताल में आपको नहीं रहना है। तो काठगांव से लेके रानीखेत रास्ते पे आपको मिलेगा कैची धाम मंदिर, जो बाबा नीम करौली के का स्थल था आपका, जहाँ पे मतलब उन्होंने तपस्या की थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, आप यहाँ वाले मंदिर भी आके बाबा नीम करौली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे होटल और होम स्टे भी खुल चुके हैं। पहले क्या था कि यहाँ पे इतना ज्यादा था नहीं, लेकिन जैसे जैसे अभी मार्क जोरव आए थे, स्टीव जॉब्स आए थे, उसके आगे विराट कोहली आए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे घरों में होम स्टे खुल गया है। तो आप उनसे बात करके भी शाम के टाइम पे यहाँ स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी खूबसूरत है। अभी आप मेरे साथ देख रहे होंगे चांद भी चल रहा है साथ साथ में, मतलब काफी खूबसूरत नजारा था। और चांद है कि मुझे हल्के की नींद आने लगी थी, तो मैंने कहा कि रात में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट के एक बाहर आ गए थे, मैंने कहा इनको मेरे को उठा देना एक डेढ़ घंटे बाद, मैं चाय पिए यहाँ पे। अभी हम लोग हैं पातली में, तो ये मतलब खैरना से आगे बताया रानीखेत से और खैरना के बीच में। तो यहाँ पर मैं कुछ देर सो गया, और जो सोया हूँ करीब उन्होंने इनको बताया था आधा घंटा, लेकिन उन्होंने हमको सोने दिया। करीब दो घंटा यहाँ पे पूरा सोया हूँ। अब देखो उजाला हो गया पूरा, हम लोग मतलब करीब यहाँ पे 5 बजे पहुँच गए थे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में पहुँच के 5 बजे पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पर करीब 7:15 बज गए हैं। तो 2.25 घंटा सोया, अभी चाय आई थी, तो ये भाई साहब तो अभी भी सो ही रहे हैं। तो मतलब ये कंडीशन है। अब जहाँ से जाते हैं रानीखेत का कुछ नज़ारा देखते हैं। बस निकलती है, तो यानी ये 8 बजे के 9 बजे के करीब पहुंचेगी, तो इतना टाइम ये बस ले लेती है। और एग्जैक्ट टाइम में मैं भी करीब निकला था, उसमें मैं नहीं निकाल ली, मतलब ये 4 बजे निकलती, मैं तो अपना लखनऊ से करीब निकला 6 बजे। तो देखिए हमारी मॉर्निंग वगैरह हुई रानीखेत में, रानीखेत नदी पहुंचे, बहुत खिली खिली धूप आ गई है। एकदम ये नर्सिंग ग्राउंड है रानीखेत पास, जिसमें मैं बचपन में खेला करता था फुटबॉल और क्रिकेट हम लोग खेल जाते थे। मालोड है, यहाँ पर एक मंदिर है बहुत अच्छा, मन कामेश्वर मंदिर है उसका नाम है। तो यहाँ से जो रानीखेत क्या है बहुत शांति भी है, ये उन टूरिस्टों के लिए है जिसे भीड़ भाड़ से बहुत दूर आना है और प्रकृति का दर्शन लेना है, तो रानीखेत आता है। आज सामने बहुत सारा फॉग है, तो ये हम लोग अभी मार्केट की ओर जा रहे हैं। सामने बहुत सारा फॉग है, वरना यहाँ से मतलब जो है हिमालय जो दिखाई देता है वो करीब पूरा 180 डिग्री में हिमालय यहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ पर रानीखेत में घूमने वाली जो प्लेस है ना, वो है आपके जैसे हीराकान मंदिर है, गोल्फ ग्राउंड है,
यहाँ पे जनरल स्टोर है, तो यहाँ पे आप आके बूथ वाले कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि इसीलिए ही ज्यादा घूमने आता है। तो ये है कुछ रानीखेत का बाजार, जिसे बोलते हैं यहाँ की सदर बाजार रानीखेत। जाना कितना था बता भी, लोग सब लोग ट्रेनिंग में है, तो ये सारे रिक्रूट है। तो अभी क्या है कि लोग को सुबह सुबह मतलब 15-16 किलोमीटर इनको दौड़ाया जाता है मॉर्निंग में, तब जाके ये लोग भारत माता की सेवा करने के सफर रहते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ से लेके अपना मथुराई तक दौड़ेंगे, तो ये सब लोग एथलीट हैं। देखिए आदमी के होता है हिसाब किताब रहता है पूरा, तो आप देख सकते हैं कि आदमी का अपना पद है। और यहाँ पे इतना ठंडा है मौसम का ठंडा होने के बावजूद सब दौड़ रहे हैं सुबह सुबह, ऐसे ही देखिए तो रानीखेत से थोड़ा आगे जान के हमने पी यहाँ पे चाय चंदा टी स्टॉल पे। तो ये है घिंगारी खाल, रानीखेत से पहले 5 किलोमीटर दूर है। तो ये रास्ता जाएगा मेरे गांव को दौराहाट की ओर को, और ये ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है अल्मोड़ा को सितला खेत को, साथ में यहाँ पर आपको गोल्फ ग्राउंड भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर का है नज़ारा, यहाँ पर आप लोकल फूड खा सकते हैं, लोकल सब्जी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मूली मिल रही है पहाड़ की, नींबू मिल रहे हैं, माल्टा मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ से जो व्यू है, अभी आज फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर से हिमालयन रेंज जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, इसके पीछे हल्की हल्की दिखाई दे रही है, क्योंकि उस साइड फॉग है तो इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो रानीखेत पर अगर आप आ रहे हो तो ये दर्शन, हिमालय दर्शन बहुत अच्छा है यहाँ पर, लेकिन ठंडा अभी काफ़ी अच्छा ठंडा है यहाँ पर। तो सांस्कृतिक नगरी दौराहाट में हम लोग का आगमन हो गया, अपने अपने गांव में हम आ गए। ये देखिए पुराने वाले जो मंदिर है, जिसकी वजह से संस्कृति मंदिर, क्योंकि यहाँ पे 108 मंदिर है पांडवों द्वारा बनाए गए और 108 पानी के नौले हैं, इसलिए ये उत्तराखंड के मंदिरों का शहर भी कहा जाता है दौराहाट। तो सांस्कृतिक नगरी है, बहुत ज्यादा मतलब एक पुरातन नगरी है, जहाँ कर्तव्य वंश के राजाओं ने अपनी मतलब उसका शिल्प कला का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा नमूना पेश किया हुआ है स्वाद मंदिर बना के। तो हम लोग आ गए हैं अपने गांव में, वही पुरानी गलियां हमारे बचपन वाली। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे गांव की ओर, तो पूरा ब्लॉग देखते ना गांव का, मजा आने वाला है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने गांव में, थोड़ा सामान ज्यादा है तो गांव में गाड़ी उधर पार्क में लगा दी, तो गांव का रास्ता सामने ऐसे जा रहा है पैदल पैदल। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने घर में, सामान लेके जाता हूँ, तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी इसके साथ। नेम देवांशु उपाध्याय। एंड व्हाट इज योर नेम? शिवा उपाध्याय। सो हम पहुंच गए हैं भाई घर, कहाँ पहुंच गए? द्वाराहाट आ गए हैं गांव में। कौन सा गांव है? डेरी गांव। कौन सा गांव है? डेली। हाँ डेरी गांव में हम लोग आ गए हैं। तो सामान रखते ही ये है मेरी प्यारी सी क्यूटी सी शिवा, इसके दांत मैंने काट दिए, और ये है देव्यांश। अब मैं इनके साथ खेलूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसके साथ, शिवा के साथ। मेरे तो 3 टूट चुके। नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे शिवा के साथ। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में शिवा के साथ मिलेंगे। किसके साथ मिलेंगे? हाँ। शिवा के साथ, ठीक है। और देव्यांश के साथ घूमने जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, ठीक है। हाँ। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।